तभी आ गया मैं मंदिर के पीछे की साइड। इस कुंड में आपको अनुमति दी जाती है और इस कुंड में आपको मना है, इस कुंड में नहीं जा सकते आप। ये था कुंड, अभी चलते हैं जनरल लाइन में लगने के लिए। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी का टाइम हो गया 7 बज गए हैं। आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ कामाख्या टेम्पल। इधर से है 8 किलोमीटर की दूरी पे, मैं जहाँ पे स्टे किया हूँ वह है महालक्ष्मी होटल। और सामने की तरफ व्यू दे सकते हो, काफी शानदार व्यू है ब्रह्मपुत्र नदी का। अभी होटल से निकलते हैं और कामाख्या मंदिर चलते हैं। मेरे साथ है अंकल, अरे गाते गाते चल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कामाख्या मंदिर की तरफ। अभी 2 किलोमीटर तो पैदल चलेंगे, उसके बाद में देखते हैं कोई ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, नहीं तो ओला बुक करेंगे। थोड़ा दूर पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने सुबह से चाय नाश्ता नहीं किया, तो चाय नाश्ता भी करेंगे, कोई चाय वाली दुकान मिल जाए तो। ये नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो लेके चलते हैं आपको नीलांचल पहाड़ी माँ कामाख्या देवी के मंदिर। गाइस अभी चाय पी के तो निकल गए। देखिए भविष्य के आने वाले ब्लॉगर मेरे भाई जो पूरे जोश के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए माँ कामाख्या देवी टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है जय, और काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जवानी में जोश होता ही है और भाई में पूरा जोश है, और आप इस जोश को बढ़ावा दीजिए और इनकी ब्लॉगिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। घूमते घूमते हम आ गए कामाख्या मंदिर के मेन गेट पे। अभी अंदर चलते हैं और इधर से ऑटो रिक्शा वगैरह जाते हैं अपन। फिंगर भी आप ले सकते हो, इधर से 20 रुपये चार्ज करता है सवारी पर्सन के अनुसार, 20 रुपये चार्ज करता है। ओला अगर बुक करोगे तो 30 रुपये लेगा। हमने डिसीजन लिया है कि हम जाएंगे पैदल, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं पहाड़ों की, घूमते घूमते पहुँच जाएंगे हम पहाड़ों के ऊपर। और मेरे साथ और भाई बोल रहे थे ना कि ओला से जाना है, मैंने कहा यार मजा नहीं आएगा, जिंदगी मजा लेना है तो पहले ठोकरे खाओ, पैर घिसो, जूतियां अगर जूतियां घिसोगे तो मजे आएंगे। अभी इनको पता नहीं है कि 8 किलोमीटर दूर चलेंगे पहले पहाड़ियों के ऊपर। और उसी भी पता है, बात ये है कि भाई हमारा डाइटिंग पे है तो, और मैं डाइटिंग करने आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ चल के मेरा वेट घटेगा, मेरी चर्बी ढीली होगी और मेरा दिमाग सही होगा। इनका तो दिमाग सही होगा, मेरा होगा हाल बेहाल। तो चलते हैं, कोई नहीं, माँ कामाख्या का आशीर्वाद होगा तो चढ़ जाएंगे ऊपर पहाड़ियों पे और उसके बाद में आपको विजिट कराते हैं माँ कामाख्या टेम्पल। और पैदल चलने का ये भी फायदा है कि चारों तरफ घूमते घूमते जाएंगे, एकदम तो हवा भी चल रही है, ये महसूस कहाँ होगी फिर। हाँ गाड़ियों में वैसे महसूस तो होगी नहीं क्योंकि गाड़ियों में पूरा पे करता है और छोड़ देगा वो तो मंदिर के पास में, और मंदिर में आपको विजिट करा देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इससे अच्छा पैदल चलेंगे। भाई के अंदर भक्ति है, वो चाय की दुकान पे क्या बोल रहा था कि कुछ खा लेते हैं, तो मैंने कहा भाई तू खा ले, और मैं नहीं खाता हूँ इसलिए क्योंकि एक्चुअली जब आए हैं इतनी दूर आए हैं, इतने दूर से मतलब 1500-2000 किलोमीटर दूर से चले आए हैं टाइम लेके, दोपहर तक कुछ नहीं खाते ना, पहले माँ के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद खाते हैं। तो भाई की भी फीलिंग जाग गई, भाई ने भी अपनी रोटी लपेट के रख दी, बोल दी ना अब मैं भी मंदिर के दर्शन करके बाद में खाएंगे, तो मंदिर के दर्शन करके बाद में खाएंगे, खाना वाना जो भी हो जाएगा बाद में खाएंगे, पहले तो हम जा रहे हैं मजा लेते लेते हैं। अभी तो स्टार्टिंग तो हमने कर दी, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, वैसे तो अच्छा ही होगा। काफी दूर चलते चलते हम आ गए व्यू पॉइंट पे, अब थोड़ी बहुत फोटो वोटो खींचते हैं इधर, ऑटो से बैठते हैं, उसके बाद में आपको लेके चलेंगे कामाख्या मंदिर। काफी ऑटो रिक्शा वाले जा रहे हैं इधर से, यह है व्यू पॉइंट, काफी हुआ है इधर, वेलकम टू व्यू पॉइंट माँ कामाख्या टेम्पल, 500 मीटर की दूरी पर ही है, तो दिखाते हैं आपको व्यू पॉइंट का नज़ारा। हमने व्यू पॉइंट पे काफ़ी इंजॉयमेंट किया, फोटो वोटो खिंचाई, अब जा रहे हैं आगे की तरफ, 500 मीटर की दूरी पर ही है कामाख्या मंदिर, तो आपको विजिट कराते हैं, पहले जाके देखते हैं क्या कंडीशन है क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ है, फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, श्रद्धालु लोग काफ़ी आते हैं। गाइस हम आ गए माँ कामाख्या मंदिर के जस्ट पास में ही, और आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएगी इधर, इधर से आप प्रसादी वगैरह ले सकते हो, काफ़ी दुकानें आपको मिल जाएगी, चुन्नी माता की चुन्नी इधर से ले सकते हो, प्रसादी के तौर पर आप ले सकते हो, वेलकम टू माता दरबार से अपन को कूपन लेना है, पहले कूपन लेने जा रहे हैं अंदर की तरफ, करने के लिए अपन को कूपन लेना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज। गाइस आप कूपन की लाइन दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है तो वेट करना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो कूपन लेंगे उसके बाद में आपको दर्शन कराएंगे।
कूपन लेने के लिए अपन लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगते हैं अभी, अभी कूपन स्टार्ट नहीं हुआ, कूपन होते ही चले जाते लाइनें क्लियर होगी। कूपन लेने के बाद में हम चलेंगे अंदर की तरफ और आपको विजिट कराएंगे। अभी 4 बजे तक आपको कूपन ले सकते हो, उसके बाद में पट बंद हो जाता है, मतलब कूपन अलाउड नहीं है 4 बजे के बाद में। और जो भी अंदर की तरफ फंसे हुए हैं उनको दर्शन कराते हैं, उसके बाद में 8 बजे बंद हो जाता है। बस 5 लोगों की दूरी है, उसके बाद में टिकट मिल जाएगी, टोकन मिल जाएगा, फिर चलेंगे माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। टोकन मिल गया, ले रहे हैं प्रसाद, इधर से प्रसाद में ये सब चढ़ाया जाता है। आ गया गाइस हम अंदर की तरफ। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध व पुराना शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर मां भगवती के योनि रूप का अनूठा मंदिर व पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। गाइस जो मंदिर है वो मेन मंदिर यही है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। तो अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं। और इधर सच्चे मन से जो मनोकामना लेके आते हो उसकी मनोकामना हरदम माता पूरी करती है। और अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप गोट भी चढ़ा सकते हो, मतलब आप गोट की बलि भी दे सकते हो और बलि दे के आप मन्नत पूरी कर सकते हो, या आप गोट को सुधा भी सकते हो। अभी आ गया मैं मंदिर के पीछे की साइड, और पीछे की साइड आपको गणेश जी भगवान का मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मन्नत है कि अगर एक बारी में आपका सिक्का छड़ जाता है, मतलब लग जाता है, तो आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। मेरा ऑलमोस्ट छड़ गया, तो इधर आप मनोकामना भी मांग सकते हो। ये है गर्भगृह। अभी आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, अंदर की तरफ आपको प्रसाद चढ़ा दिया जाएगा, पंडितों के द्वारा प्रसाद चढ़ा दिया जाएगा। अगर आप गर्भगृह तक जाना चाहते हो तो इस तरह की आपको जनरल लाइन में से होकर जाना पड़ेगा। और VIP अगर दर्शन करना चाहते हो तो 501 रुपये टोकन लेके आपको वो VIP दर्शन मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इधर दीपक सधाकी और अगरबत्ती करके आपको मनोकामना मांग सकते हो माता से, और जो नारियल लेके आओ इधर तोड़ सकते हो और इधर माता की चढ़ा सकते हो। यह है सती माता का मंदिर, तो सती माता के भी आपको दर्शन करा देता हूँ। को VIP काउंटर जैसे मिल जाएगा, और VIP के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इधर 501 रुपये टोकन का, और आपको अगर बलि दिलानी है बकरे की तो इधर बलि भी दी जाती है, और अगर बकरे को छुड़ाना चाहते हो तो इधर बकरे को छुड़ा भी सकते हो आप। यह है जनरल पोच जिससे माता की तरफ तक जाया जाएगा। जा रहा हूँ मैं कुंड की तरफ, और कुंड आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी आ गया मैं कुंड की तरफ। कुंड विष्णु भगवान ने बनाया था। इधर 2 कुंड है, 1 कुंड, ये 2 कुंड। आप इसमें स्नान कर सकते हो, जैसे वो उन अंकल ने कर रहे हैं स्नान, आप स्नान करके अपने पाप धो सकते हो। इधर से स्नान भी नहीं करना चाहो तो आप फाटा दे सकते हो। गाइस ये था कुंड, अभी चलते हैं जनरल लाइन में लगने के लिए और माता रानी के दर्शन करते हैं। गर्भगृह में जाने के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा, तो लाइनों में लगते हैं और चलते हैं। लाइन हमने स्टार्ट कर ली है और अभी काफी ज्यादा बेटिंग चल रही है। अभी पीछे तक तो देखते हैं कब तक नंबर आता है अपना। उस लाइन से क्लियर हो गए, इस लाइन में आ गए। अभी इस लाइन में काफी दूर तक लाइन लगी रहेगी, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में सबको दर्शन हो जाएंगे। लाइनों से होते हुए हम तो आ गए थोड़ी बहुत आगे की तरफ, देखते हैं आप कितनी देर में हो जाए दर्शन। वो रहा लास्ट कोने में है मंदिर। और अभी हम दर्शन करके आए थे, मतलब सुबह से लगे हुए हैं लाइन को, सुबह से बाद में अब दर्शन करने को मिले। काफी शानदार दर्शन हुए हमारे। ये मेन गर्भगृह है, और गर्भगृह के 10 मीटर के नीचे ही है गर्भगृह, जिसमें माता की योनि की पूजा की जाती है। काफी शानदार दर्शन हुए हमारे। यह मंदिर काला जादू व तांत्रिकों के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे तांत्रिक अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी दूर दूर से तपस्या करने के लिए आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। गाइस अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी सुबह से हम आए थे 11:30 बजे, और रात को जा रहे हैं अभी 7:30 हो रहे हैं, मतलब कम से कम सुबह आओ तो शाम तक आपके दर्शन हो जाएंगे। अच्छी तरह से जूते चप्पल जहाँ से खोले थे वहाँ से दूसरे चप्पल उठाते हैं और घर के तरफ।